तो अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो आएगा मतलब, ठीक है फिर ये भी हो जाएगा। हो आप लोग आ गए। वो क्या ना कि मतलब पापा ने बोला था कि इस बार एग्ज़ाम्स में अगर अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे साइकिल दिलाएंगे, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। नहीं मतलब एग्ज़ाम्स तो मेरे होते रहते हैं, जब से इंजीनियरिंग ज्वाइन की है ना तो क्लासेस कम, मेरे एग्ज़ाम्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इसी के चक्कर में ना वीडियोस भी कम डाल पाता हूँ। ठीक है क्या करें आप, चलो आज आ गए हैं तो फिर वीडियो का मज़ा उठाते हैं। हे गाइस कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है, और आज की वीडियो आप लोग जानते हो यार सॉसेज मैन के नए सीज़न के पहले गेम प्ले के ऊपर होने वाली है। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है यार, सॉसेज मैन का ये नया जो सीज़न है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हुई है, और आप लोगों को उसको सोचने की और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार आप लोगों को इसी गेम प्ले के अंदर अंदर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा क्या क्या है इस गेम प्ले के अंदर और क्या है इस सीज़न के अंदर। तो यार तैयार हो आप सब लोग, चलते हैं हर गेम प्ले की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नोरी टेंपल, क्योंकि भाई इस अपडेट में नोरी टेंपल को इन्होंने ऐसा चेंज कर दिया ना कि क्या ही बोलूँ यार। ऐसा लग रहा है कि ना वो पानी जो है ना समंदर का, वो उठ के भाई नोरी टेंपल के अंदर आ गया। मतलब लग रहा है यार रात को बारिश हुई थी और सुबह आके भाई यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। बट यहाँ पानी ही नहीं इकट्ठा हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ इकट्ठी हुई है, अभी आपको नोरी टेंपल में घुस के देखने को मिलेगा। मतलब लग रहा है वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, बट स्टिल आप लोगों को दोबारा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वाह क्या कारीगरी है भाई, यार ऐसा लग रहा है पता नहीं किस स्वर्ग में आ गया हूँ मैं। यार नीचे देखो आप लोग, ऐसे मूर्तियाँ वूर्तियाँ और ये एकदम सजा सुजू के, यार ऐसा लग रहा है कोई पैलेस लग रहा है मेरे को। बट यहाँ का पैलेस नहीं है, आसमानी पैलेस है कुछ। मतलब बोलते हैं ना कि वो जो जन्नत जैसे हो गई जगह, वहाँ पर आ गए हम लोग, वही सेम टू सेम है। बट यार मेरे को यहाँ पर लग रहा है कोई एनिमी तो नहीं आया है। तो यार मैं ना तब तक आप लोगों को अपडेट के बारे में बता देता हूँ। तो यार सबसे बड़ी चीज़ जो इस गेम में इस सीज़न में ऐड हुई है, वो है एक न्यू वेपन जिसका नाम है HK-13। तो यार मैंने उसको ना सुबह उठते ही ट्रेनिंग मोड में यूज़ किया था, और यार वो मेरे को ना पूरा मशीन गन जो, मतलब ऐसा है तो वो मशीन गन नहीं, बट उसको एक मशीन गन का पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि भाई मशीन गन 100 की होती है, वो शायद आपको 80 तक एमओ देता है, मेरे को जहाँ तक याद है 80 तक आपको एमओ दे देता था। लेकिन एक चीज़ है उसकी कि वो ज़्यादा हिलता नहीं है, और अगर आप लोग उसको क्लोज, ओए एक मिनट कोई आया, चलो भाई ये चला गया। ठीक है मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप लोग उसको क्लोज या लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ करते हो ना, तो यार बहुत ज़्यादा इजी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ज़्यादा रिकॉइल फेस नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोगों की सेंसिटिविटी अच्छी है तो। ठीक है तो ये था हमारा पहला अपडेट का बहुत सही चीज़। तो यार नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ इसमें ऐड हुई है वो है एक व्हीकल, लेकिन वो एक व्हीकल ऐसा है जिसमें आप टीममेट्स को कैरी नहीं कर सकते हो। मतलब सेम एज जैसे बॉल है, बट बॉल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। गेस कर सकते हो तो करो, ठीक है अगर नहीं किया गया अभी तक तो यार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यार एक मिनट यार फुटस्टेप्स, ओ भाई क्या जिगल दे रहा है यार, ये बहुत सही बंदा है गाइस, ये बहुत सही बंदा। तो आपको पता है जब सही सही बंदे आते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेंसनेस हो जाता है ना, तो यार मैच खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्या है कि नहीं भाई, सच बताना। ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, हाँ उस व्हीकल का नाम है हॉवरबोर्ड। अब उस हॉवरबोर्ड पे ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसमें ना बूस्टर है, मैंने उसको यूज़ किया है सुबह, ठीक है मैंने ट्रेनिंग मोड में। अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे अभी मैं ढूंढूंगा, अगर मेरे को हॉवरबोर्ड मिला यहाँ पे तो ठीक है, और अगर वो गन मिलती है तो ठीक। फिलहाल ये जो गन है ना दोनों, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉम्बो है। क्यों मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा ये क्यों कॉम्बो ऐसा है, ठीक है अगर आप लोग क्लोज रेंज के मास्टर बनना चाहते हो तो। ठीक है तो फिलहाल अभी हाँ हॉवरबोर्ड की बात करते हैं। हॉवरबोर्ड जो है भाई उसमें आप लोगों को बूस्टर देखने को मिलेगा, और भाई उसकी बूस्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। यार फिर से कोई आ गया, एक मिनट, चलो भाई इसको कर दिया हमने खत्म। हाँ उसकी बूस्टर की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मतलब आप लोग भाई इजीली एनिमी के सामने से निकल सकते हो अगर आप लोगों को एनिमी शूट करने लग गया। और उसमें से आप लोगों की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप उस हॉवरबोर्ड को यूज़ करके आप लोग जो है फायर भी कर सकते हो। हाँ लेकिन फायर करते करते आप लोगों को जिगल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो हॉवरबोर्ड थोड़ा रुक जाता है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा संभलना पड़ेगा वहाँ पर। भाई अगली जो चीज़ है ना उससे सच में मेरे को पर्सनली डर लग रहा है, क्योंकि अगर वो मेरे सामने वाले एनिमी ने यूज़ किया होगा ना, तो यार मेरे लिए बहुत खतरे यार, यार 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 ये कहाँ से मार रहा है भाई, दिख रहा है आप लोगों को, मेरे को तो नहीं दिख, आ गया पास में शायद, इसने डैमेज दे दिया मुझे लग रहा है इसको, शायद पता चल गया होगा कि भाई डैमेज है बंदा। मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, बच जाएंगे हम। कहाँ पे वो, देखो सामने, आने दो नीचे, आ जा भैया, चलो 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 निकलो जल्दी। हाँ तो मैं बोल रहा था कि भाई वो बहुत सही चीज़ है, और उस चीज़ का नाम है एक लेजेंड कार्ड, और वो जो लेजेंड कार्ड है उसका नाम है सॉल्टेड फिश लेजेंड कार्ड। इसके अंदर भी आपको सेम दो स्किल देखने को मिलेगी, और भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भाई ये आप लोगों को ऐसी चीज़ें देने वाली है ना जिससे आप लोग मैच बहुत ईजीली से जीत सकते हो, अगर आपको जीतना आता होगा मैच तो। क्योंकि भाई इसमें आप लोगों की जो पहली स्किल है उसमें भाई आप लोग जैसे उसको टैप करोगे, थोड़ा सा ना एक चैंटिंग एक्शन, मतलब जैसे प्रे नहीं करते हैं, प्रे करें
पड़ेगा और उसके बाद एक छोटी सी जो है फिश आएगी जो आपके टीममेट्स के पास आके खड़ी हो जाएगी और उनकी 56 एचपी तक रिस्टोर कर देगी, वो भी 7 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें, वो जो दूसरी स्किल है इसमें, वो क्या करेगा, आपके आगे ना जो है 4 फिश फेंक देगा और उसके बाद क्या करेगा, आप लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो और वो जो है आपकी 50 एचपी रिस्टोर कर देगा। और यही नहीं, आप लोगों को जो है 10 सेकंड का जो है एक्सेलरेशन टाइम भी बढ़ा लेगा, मतलब आप लोग किसी नॉर्मल बंदे से जिसने वो कार्ड यूज़ नहीं किया होगा 10 सेकंड के लिए आप उससे थोड़ा तेज़ भाग सकते हो। तो सोच लो भाई कितना ज़्यादा डेंजरस कार्ड है ये। तो यार नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी एक लेजेंड कार्ड की ऑप्टिमाइजेशन, और वो लेजेंड कार्ड है पोसाइडन लेजेंड कार्ड। अभी इसमें क्या होता था कि जो शार्क आप जिसके ऊपर बैठते थे ना, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब आप शार्क को ड्राइव कर रहे होगे ना, ठीक है, अगर वो जो है वो एनिमी को हिट करता है, वो सीधा उनको नॉक कर देगा, ठीक है। अब जो है पहले वो डैमेज वगैरह देता था, बट अब सीधा जाके वो उसको नॉक कर देगा, ठीक है। अच्छा गाइज, मुझे अभी आपसे ना एक सवाल पूछने की, यार किसी किसी का ना जो है माइक का ना बहुत ज़्यादा ग्लिच हो जाता है जब वो ना टीममेट के साथ खेलता है, मतलब ना उनको उसकी आवाज़ आ रही होती है ना तो इनकी आवाज़ उनको जा रही होती है। तो अगर आप लोगों का ये ग्लिच ठीक हुआ है जो लोग टीम में खेलते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कभी कभी ना मेरा भी ये बहुत बारी ग्लिच हुआ है, और वो भी तभी ग्लिच हुआ है जब भाई इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। बीच बीच में हो जाता है ओपन, बट मैक्सिमम टाइम जो है भाई ये ग्लिच बहुत खतरनाक तरीके का मरवा देता है, ठीक है। तो यार आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के साथ ठीक हुआ है कि नहीं। तो वेल मेरे को बताना भाई बाकी सारी जितने भी ये जो है ऑप्टिमाइजेशन आपको जो जो फेस हो रहा था उनके बारे में मेरे को बताना, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन तो बोला है बहुत सारी चीज़ों में की है, अब वो किन किन चीज़ों में किया है यार बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप लोग मेरे को बताना कि उसमें हुआ है ऑप्टिमाइज कि नहीं। फिलहाल मैं इस बंदे को पहले मार देता हूँ, ये स्विम कर रहा है, और यार ये ओजी का डैमेज उसको पहुँच भी रहा है कि नहीं, लोगों यार गन शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, अब इसको जब एक दो हेड पड़ा ना इसका, तो यार बहुत खतरनाक है यार, ये गन भी बहुत खतरनाक है और उजी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ पता चला है इस गेम के बारे में, मतलब इस गन के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा गाइज, अगर मैंने कोई इसमें मिस कर दिया होगा अपडेट तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि यार मेरे को जहाँ तक पता था मैंने वो आप लोगों को बता। ओ यार एक मिनट यार, ये भाई बच कैसे रहा हूँ मैं, ये कितना गंदा है ये मैच बनने का। ओ भाई दूसरा बंदा भी ये पीछे, देख रहे हो आप, खतरनाक भाई, भाई क्या खतरनाक सीन था ये, क्या टीम ये क्या कर रहे थे भाई, ये टीम अप करा हुआ था इन्होंने क्या, एक साथ ही घूम रहे थे बंदे। तो हाँ मुझे बताना कि भाई आप लोगों को और कोई अपडेट के बारे में पता है जो इसमें आया। ओ भाई मैं तो जीत भी गया। तो यार कैसा लगा आप लोगों को ये मैच, यार बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस मैच में। एक मिनट भाई स्मोक भी ऑन कर देता हूँ, मेरे को देख रहे हो भाई, हवा में स्मोक फेंके जा रहा हूँ मैं। तो मेरे को ज़रूर बताना कि भाई आप लोगों को कैसा लगा ये मैच, ये गेम प्ले और ये वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक प्यारा सा गुड बाय।